हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय पांडे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज में गॉस के प्रमेय के तीन अनुप्रयोग पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि दो प्लेट हमारे पास रहेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, दो प्लेट है यहाँ पर, प्लेट ए और प्लेट बी, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास दो प्लेट रहेंगे और दोनों प्लेटों में एक प्लेट धन आवेशित रहेगा और दूसरा प्लेट ऋण आवेशित। तो जैसा कि एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, अब इन धन और ऋण आवेशित प्लेटों के कारण इन प्लेटों के बीच में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और इन प्लेटों के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आप राइट में भी बाहर ले सकते हैं या लेफ्ट में भी बाहर ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी निकालेंगे आराम से निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको इन दोनों समांतर आवेशित, लेकिन प्लेट कैसा है, अचालक है, अचालक है लेकिन आवेशित है, तो इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, इसका जो पिछला वीडियो है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी का फार्मूला हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई समतल कोई प्लेट है, समतल कोई चादर है, तो उस चादर के कारण बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो हमने इसके पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर ये मान लीजिए कि कोई समतल प्लेट है और यह समतल प्लेट पर कुछ आवेश पड़ा हुआ है, तो इस प्लेट के कारण बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फार्मूला निकाला था, इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्साइलन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। तो हमने एक प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण उसके बाहरी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है दो प्लेट के कारण, तो दो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सेम चीज लगेगा। वहाँ हमने एक प्लेट के कारण निकाला था, यहाँ पर हम कितने, दो प्लेट के कारण निकालेंगे, दोनों समांतर हैं, तो एक बार इसके बीच में किसी बिंदु पर निकाल लेंगे और एक बार एक हम बाहर निकालेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम दो प्लेट ले लेंगे, एक प्लेट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और दूसरा निगेटिवली चार्ज रहेगा, मतलब कि एक धन आवेशित रहेगा और एक ऋण आवेशित रहेगा। एक पहले धन आवेशित प्लेट का नाम ए दे देंगे और ऋण आवेशित प्लेट का नाम बी दे देंगे। धन आवेशित प्लेट का जो पृष्ठ घनत्व है वो प्लस सिग्मा माना जाएगा और ऋण आवेशित का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा माना जाएगा। यहाँ पर पृष्ठ घनत्व क्या है, पृष्ठ घनत्व का मतलब कि एकांक पृष्ठ पर जो आवेश होता है उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इस टॉपिक पर भी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए तथा बी दो अचालक बड़ी समतल प्लेटें, ए तथा बी दो अचालक ये बड़ी समतल प्लेट है जो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के आमने सामने रखी गई हैं, समांतर भी रखी गई हैं, एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई हैं। और हमको क्या करना है कि इस दोनों प्लेट के बीच में और दोनों प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं और वो ट्रिक याद रखिए, इस ट्रिक की सहायता से निकालेंगे, दो मिनट में निकल जाएगा, बहुत आसान ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखिएगा कि हमको इसमें मानना क्या क्या है। अगर लिखना होगा तो लिखेंगे ऐसे ही कि माना दो समतल प्लेटें ए तथा बी एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी गई हैं, जिसमें प्लेट ए धनावेशित, प्लेट बी ऋणावेशित है, प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। तो अब हम बात करते हैं कि यदि इसके दोनों प्लेट के अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो एक ही चीज आपको याद रखना है कि जब भी दो प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे
तो वहां पर कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अलग अलग प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल के बराबर होगा। मतलब यह हुआ कि अगर आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इस प्लेट के कारण, मतलब कि प्लेट A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाके इन दोनों के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, वो होगा हमारा कुल तीव्रता। तो अगर बीच में निकालना है तो वहां पर जोड़ते हैं, दोनों समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन वही जब इन दोनों से हम बाहर जाते हैं, बाहर आप राइट में ले लीजिए या लेफ्ट में ले लीजिए, तो वहां पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से दूसरे वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब कि आप अंदर जब निकालेंगे तो उसको जोड़ेंगे और बाहर निकालेंगे तो घटाएंगे, बस यही चीज याद रखना है। तो हम यहाँ पर पहले अंदर निकालते हैं, मतलब कि बिंदु P पर। तो बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो पहले प्लेट A के कारण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेट A के कारण, कहाँ पर, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E1, क्योंकि इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसके कारण भी होगी, तो हम A के कारण E1 मान लेंगे, B के कारण E2 मान लेंगे, तो E1 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधा है, क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी प्लेट के कारण किसी बाहरी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक बताया था उसमें डिराइव भी किया है। तो एक कारण हो गया, अब बी के कारण, अब प्लेट बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, इसको हम मान लेते हैं E2। तो ये भी सेम चीज होगा, क्योंकि प्लेट धनावेशित हो या ऋणावेशित हो फार्मूला वही होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बिंदु P पर इस A प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया, यह हुआ, और इस प्लेट B के कारण भी पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल दिया, वो यह हुआ। अब इन दोनों प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो दोनों प्लेट के कारण हम कहाँ निकाल रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब बीच में निकालेंगे दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इट इंप्लाइज दैट समांतर प्लेटों के कारण उनके बीच में, कहां पर, पी बिंदु पर, बिंदु पी पर, दोनों के बीच में मतलब कि बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र ई बराबर। तो जैसा कि हमने कहा है कि दोनों क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो आप जोड़ दीजिए दोनों को, E1 प्लस E2, और यहाँ फिर लिख देते हैं E1 प्लस E2, तो E हो जाएगा। अब देखिए E1 कितना है, तो E1 हमारा हो रहा है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या 0, आप प्लस फिर E2 भी उतना ही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों जुड़ जाएगा तो दोनों का नीचे वाला हर बराबर है तो ऊपर का सीधे जुड़ जाता है, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, ई का मान बड़ी आसानी से आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ
सूत्र, दो समांतर अचालक आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हमने बताया कि जब भी बीच में निकालेंगे तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बाहर निकालेंगे तो घटाएंगे। अब देखिए, यदि आप सीधे यहीं से समझ लीजिए कि Q पर भी A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा, और इस B के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा, लेकिन चूंकि आप बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक बताया कि घटा देंगे। तो घटाने का मतलब कि Q पर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालते हैं, Q पर वैद्युत क्षेत्र, तो A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें से B वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो चूंकि इक्वल है क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप समांतर प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दोनों की तीव्रताओं को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब इनसे बाहर निकालेंगे किसी बिंदु पर तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बाहर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी समांतर प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो सीधे क्या लिख देंगे, जीरो, और अंदर पूछेगा तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार हम पुनः वीडियो को समझा दें। ये हमारा टॉपिक है कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि दो समांतर प्लेट रहेंगे, एक धन आवेशित रहेगा, एक ऋण आवेशित रहेगा, और इन दोनों प्लेटों के बीच में और इन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले पिछले टॉपिक में बता दिया है कि किसी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो किसी भी प्लेट के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इस प्लेट के कारण बिंदु P पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही होगा, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया इसको, और इस प्लेट के कारण इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही होगा, तो दोनों इक्वल होगा। अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब अंदर निकालना होता है उसको जोड़ देते हैं, और जब बाहर निकालना होता है तो घटा देते हैं। तो हमारा बिंदु P कहाँ है, अंदर है, तो बीच में हमने मतलब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकाला। देखिए E1 प्लस E2 क्या कर दिया, जोड़ दिया, और यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया तो 2 सिग्मा हो जाएगा, दोनों से दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। और यहाँ से हमने जब बाहर निकाला तो वही चीज़ है, बस केवल क्या कर देना है, घटा देना है, क्योंकि इस प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगा जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, और इस बी प्लेट के कारण क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होगा। बीच में निकालेंगे तो जोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे तो घटाएंगे। तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया गॉस के नियम का अनुप्रयोग। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कि गॉस के प्रमेय से कुलाम का नियम कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब कि गॉस के प्रमेय से कुलाम के नियम की प्राप्ति, ये होगा हमारा अगला टॉपिक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।